हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बता दीजिए कि आप कैसे हैं। आई थिंक सो कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ आज एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और मैं आलू और पालक की सब्जी, जिसे हम पोटैटो स्पिनच कहते हैं, बनाने जा रही हूँ। ग्रेवी वाली आलू पालक की सब्जी, ऑलमोस्ट सब सूखी सब्जी बनाते हैं, बट मैं आपको अपनी इस रेसिपी में आलू और पालक की सब्जी ग्रेवी के साथ बनाने जा रही हूँ। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे। तो आज हम आलू और पालक की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो आलू और पालक की सब्जी बनाने के लिए चलिए हम देखते हैं कि हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम पोटैटो की बात करते हैं। तो हमने आलू को उबाल लिया है। उबले हुए आलू से मैं बनाऊंगी आज आलू पालक की सब्जी। वन बॉल टोमेटो कट किए हुए एंड वन बॉल आनियंस कट किए हुए, और मसाले के इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट ली हुई हूँ मैं, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली एंड सॉल्ट पेस्ट के अकॉर्डिंग, टर्मरिक पाउडर क्वांटिटी के हिसाब से एंड वन टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून हमने वो चिकन मसाला ली हुई हूँ मैं। आप चाहे तो ले सकती हैं, अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकती हैं आज योर टेस्ट। एंड हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और जो हमारी सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है आलू के साथ पालक, चलिए तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पालक को आलू के साथ, पालक तो पालक को दिखाना भी बनता है, और ये बिल्कुल फ्रेश पालक है। मार्केट में पालक अब इजीली अवेलेबल होने लगा है, फ्रेश और ताजी। तो पालक वैसे भी बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए आज हम आलू पालक की सब्जी बनाते हैं, और इंग्रेडिएंट्स मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ। मेरी इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि मैं इस पालक को उबालकर बनाऊंगी, और पोटैटो को भी मैं उबालूंगी। पालक को उबाल लेंगे, और पालक इसे हम ढकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने ढक दिया तो इसके जो एक्चुअल कलर है वो चले जाएंगे। तो इसे हम कोपे में उबालेंगे, 5 मिनट तक उबलने देते हैं। ये सबसे पहले हम इस पालक को फ्रेश कर लेते हैं। फ्रेश है, हम इसे अच्छी तरह वाश कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं बड़ा सा, और उसमें हाफ पैन पानी डाला हुआ है, ये आप देख सकती हैं इसमें पानी है, और आप इसमें हम जो पालक मैं वाश की हूँ उसे मैं डालूंगी। सारे पालक को उबलने के लिए डाल देते हैं। ये हमारे पालक उबल गए हैं, और अब इसे हम पानी से अलग कर लेंगे, और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इस पानी का हम यूज कर लेंगे। तो चलिए इसे हम छान लेते हैं। जब तक पालक उबल रहा है तब तक हम इन पोटैटोज को कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेज में। तो चलिए हम पोटैटोज को कट कर लेते हैं कुछ इस तरह। हम सारे पोटैटो को कट कर लेंगे, इसे हम पानी से निकाल लेंगे, और इस तरह हम किसी बॉल में ले लेते हैं। देखिए इसके कलर बहुत ही अच्छे और परफेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये छोटे छोटे पीसेस में हो गए, मैं इसको हल्का मैश कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम इस पालक को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं ताकि ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए। हम इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट मिक्सी में मैं नहीं करूँगी, इसे हम मैश कर लेंगे, ताकि इस मिक्सी का स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है, और जो मैश करने से स्वाद थोड़ा अलग रहता है। और जो ये हमारे पालक के जो पानी बचा हुआ है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम यूज कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसका सूप बना सकती हैं। हमारी पहले की वीडियो में सूप में पालक सूप दिखाई हूँ, और अगर आप इसे कोई किसी और तरह यूज करना चाहती हैं तो आप इसे सब्जी में ही डाल दें। कढ़ाई लेते हैं, और आप जिस चीज़ में भी सब्जी बनाना चाहती हैं तो जनरली कढ़ाई में ही बनाते हैं। वो मैं प्री हीट कर ली हूँ, और ये हीट हो चुका है। तो अब हम इसमें 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल
गरम है और मैं हमेशा सब्जी मस्टर्ड में बनाती हूँ। अब खड़े मसाला में इसमें मैं जीरा डालूंगी, तो जीरे को मैं डाल दी हूँ और जीरा जब ब्राउन हो जाए तब हम इसमें कट किए हुए आलू को डालते हैं। अब हम इसमें कटे हुए आलू को डालेंगे। अब हम इसमें कट किए हुए अनियन को डालेंगे और इसे भी हम फ्राई करते हैं। हम अनियन को तब डालेंगे जब पोटैटो हमारा हल्का हल्का ब्राउन होने लगे, तब हम अनियन को डाल देंगे। और इसे अब हम सॉल्ट डालेंगे, तो सॉल्ट आई के ऊपर टेस्ट डालना है हमें। सॉल्ट मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। तो मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी, बनाते हैं पालक की, तो बच्चे भी आराम से खाएंगे क्योंकि बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में आनाकानी करते हैं। तो आई थिंक सो कि आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। और इस अनियन को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसमें हम हल्दी भी डाल देते हैं। पाउडर हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिए। इस तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे और हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनने वाली है। आप जानते हैं कि पालक कितना हेल्दी होता है। फ्रेंड्स, ओनियन देखिए ब्राउन हो गया है और पोटैटो भी साथ में एकदम परफेक्ट कलर आ गया है। तो अब हम इसमें कट किए हुए टमाटर को डालेंगे और टमाटो के साथ ये जो हमारे मसाले के इंग्रीडियंट तैयार हैं उसे मैं डालूंगी। आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या मसाले हैं। अब हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे ताकि मसाले और टमाटर का फ्लेवर सभी हमारे सब्जियों में अच्छी तरह से आ जाए। हमारा सब्जी आलू फ्राई होता है तब तक ये जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट जो है उसमें हम सबसे पहले जीरा को ऐड करते हैं। जीरा पाउडर आपको क्वांटिटी में पहले ही बता चुकी हूँ। ब्लैक पेपर, गरम मसाला और थोड़ा सा मैं मसाला यूज करूँगी, इन सभी को मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी पानी में अच्छी तरह मिक्स हो के मिक्स हो जाए। हम मसालों को लो हीट पे ही फ्राई करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो और हमारी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट यम्मी और टेस्टी बने। तो थोड़ा सा हम मसालों को फ्राई कर देते हैं, वन टू मिनट्स। ये मसाले फ्राई हो गए हैं क्योंकि इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है एकदम फ्राई होने की और कलर एंड टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब हम इसमें इस पालक को जो मैश की हुई हूँ मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छा से मिक्स कर दूंगी। तो अब इस पालक को हम बस ओनली हाफ मिनट के लिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ओनली हाफ मिनट इसके साथ मिक्स हो गया है एंड 30 सेकेंड्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें पालक का जो पानी बचा था, पालक जो मैं बॉइल की थी, उस वेजिटेबल स्टॉक्स को मैं फेंकूंगी नहीं पालक के पानी को, तो मैं सब्जी में उसी का यूज करूंगी ताकि पालक के सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे सब्जी में बने रहें। तो इस तरह मैं आज ग्रेवी वाली पालक और आलू की सब्जी आपको बनाना सिखा दी हूँ। तो आई थिंक सो आपको ये बहुत अच्छी सी पसंद आएगी। और अब मैं इसमें पानी ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि हमारे जो पालक के पानी थे उसी से हमारी सब्जी की थी अच्छी हो गई है। तो चलिए इसे हम एक उबाल आने देते हैं और इसमें उबाल आ गया है और ये सब्जी हमारी पूरी तरह कंप्लीट बनकर तैयार है। तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे यानी कि ऑफ कर देंगे और चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये हमारी हेल्दी और टेस्टी आलू पालक की सब्जी जो हेल्दी ज़्यादा है और टेस्टी भी बहुत है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। लास्टली मैं 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी ऐड करूंगी जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। पालक के साथ घी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपने जब बनाए तो जरूर
क्या स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा, कड़ी तो नहीं पर स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर हमारी रेसिपी, हमारी ये पालक एंड आलू की सब्जी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लास्ट टू एंड जरूर देखें दोस्तों। ये ग्रेवी वाली पालक की सब्जी बहुत ही यम्मी और मजेदार है। हमारी रेसिपीज बनकर तैयार है। मैं आलू और पालक की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई हूँ और ये ग्रेवी वाली सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है। कलर एंड टेक्सचर इज सो गुड डियर। तो हमारी वीडियो स्टार्ट टू एंड जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि मैं इस प्रोसेस से इसको बनाई हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल में जाकर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दें। अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छी कमेंट कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आए तो भी आप अपना फीडबैक जरूर दें और मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को भी